हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग यूरिया साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूरिया साइकिल को डिस्कस करने से पहले एक बार थोड़ा पिछले लेक्चर्स पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारी एक सीरीज मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स की कॉन्टीन्यूटी में चल रही थी, तो उसमें हम लोगों ने ट्रांस एमिनेशन एंड डी एमिनेशन को डिस्कस कर लिया था। तो इन दोनों प्रोसेस से हमारा अमीन ग्रुप का लिब्रेशन हुआ था, दैट इज़ अमोनिया। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये अमोनिया हमारी बॉडी से कैसे एक्सक्रीट आउट होगी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एक पाथवे होगी जो कि मल्टीपल रिएक्शंस में अकर होगी। सो जनरली होता क्या है कि यूरिया हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एक एंड प्रोडक्ट होता है, जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। सो बेसिकली अगर बात करें कि यूरिया सिंथेसिस की हमारी बॉडी में ज़रूरत क्यों है, तो जितने भी अमीन ग्रुप्स होते हैं वो जब हमारी बॉडी में एक्सटेंड हो करने लगते हैं, तो वो एज अ टॉक्सिक एजेंट हमारी बॉडी के लिए वर्क करते हैं। सो इसी टॉक्सिसिटी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमारी बॉडी में यूरिया सिंथेसिस की प्रोसेस चलती है, और ये प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर लीवर में चलती है, और वहाँ पे यूरिया सिंथेसाइज होकर के किडनी के लिए ट्रांसपोर्ट हो जाती है, जहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी से वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो यूरिया साइकिल बेसिकली हमारी फर्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे है, जो कि 1932 में एलुसिडेट की गई थी, एंड इसको हम लोग क्रेप्स हैंसलेट साइकिल भी बोलते हैं, जो कि दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर इसको एलुसिडेट किया था 1932 में। सो अगर इसके स्टेप्स की बात की जाए, तो यूरिया साइकिल टोटल 5 स्टेप की एक साइक्लिक प्रोसेस होती है, जिसमें अगर पहले स्टेप की बात की जाए तो कार्बेमोइल फास्फेट का फॉर्मेशन होता है, देन उसके बाद में सिट्रुलिन का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद आर्जिनोसक्सिनेट की सिंथेसिस होती है, देन ये आर्जिनोसक्सिनेट क्लीव करता है, ब्रेक होता है टू मॉलिक्यूल्स में, देन इसी स्टेप पे हमारे यूरिया का फॉर्मेशन होता है। और ये पांचों स्टेप पर्टिकुलर एंजाइम्स के प्रेजेंस में कैटालाइज होते हैं, जिनमें से दो एंजाइम हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं एंड बाकी के हमारे साइटोसॉल में प्रेजेंट होते हैं। सो एक ओवरऑल रिएक्शन को हम लोग देखते हैं, एक साइक्लिक फेज हमने ले रखी है यहाँ पे यूरिया साइकिल की। तो आप देख सकते हैं कि ये इतना सा पार्ट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में है एंड बाकी का रेस्ट पार्ट हमारी ये साइटोसॉल में है। तो अगर इस यूरिया साइकिल की अपने बॉडी में लोकेशन की बात करें, तो ये लीवर में होती है, बेसिकली लीवर्स की हमारी सेल्स में होती है। तो अगर मैं सेल का एक डायग्राम बनाऊँ तो कुछ ऐसे बनाऊँ, और इसके अंदर एक ये माइटोकॉन्ड्रिया है। सो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे दो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एंड बाकी के हमारे साइटोसॉल में, तो ये तो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया हो गई जहाँ पे हमारे दो एंजाइम्स होंगे, लेकिन साइटोसॉल हमारी बॉडी का फ्लूड होता है जिसमें मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस अकर होती हैं। सो बाकी की प्रोसेस हमारी यहाँ पे होंगी एंड जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप होगा वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के ही अंदर हमारी अदर मेटाबॉलिक पाथवे चलती हैं, जैसे कि क्रेप्स साइकिल भी होती है हमारी। सो जनरली माइटोकॉन्ड्रिया से हमारी ये यूरिया साइकिल स्टार्ट होगी, जहाँ पे डी एमिनेशन के थ्रू अमोनिया ग्रुप आकर के रिलीज़ हुआ होगा, वो आएगा क्रेप्स साइकिल से रिलीज़ हुई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कंडेंस करके कार्बेमोइल फास्फेट का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो हमारा कार्बेमोइल फास्फेट सिंथेस काम करेगा। और ये स्टेप हमारा इरिवर्सिबल स्टेप होता है, और यहाँ पे 2 ATPs का यूटिलाइजेशन होता है, एंड ये जो कार्बेमोइल फास्फेट सिंथेस होता है ये एनएसिटाइल ग्लूटामेट, जो कि एक कंपाउंड हमारी बॉडी में होता है, वो ग्लूटामेट एंड एसिटाइल को एंजाइम के साथ में मिलकर बनता है। तो ये आकर के हमारे इस कार्बेमोइल फास्फेट सिंथेस को एक्टिवेट कर देता है, तब जाके हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनियम का कंडेंसेशन होता है और फॉर्मेशन होता है कार्बेमोइल फास्फेट का। तो जब कार्बेमोइल फास्फेट बन जाता है तो हमारा अदर अमीनो एसिड, दैट इज़ ऑर्निथिन, एक ये बेसिक अमीनो एसिड होता है, ये आता है, ये कार्बेमोइल ट्रांस कार्बामोइलेज की प्रेजेंस में कार्बेमोइल फास्फेट से रिएक्शन करता है, जहाँ पे फास्फेट हमारा एक इनऑर्गेनिक फास्फेट रिमूव हो जाता है यहाँ से ब्रेक होकर के, एंड बाकी आकर के हमारे ऑर्निथिन से ऐड होकर के फॉर्मेशन करता है सिट्रुलिन का। सो सिट्रुलिन के बाद में आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस की प्रेजेंस में एस्पार्टेट आकर के हमारे सिट्रुलिन में
ज्वाइन हो जाता है। सो ये एस्पार्टेट कहाँ से आता है? तो ये एस्पार्टेट हमारी क्रेब्स साइकिल के टाइम पे बना हुआ ऑक्सैलो एसीटेट, जो कि ट्रांस एमिनेजेस की प्रेजेंस में एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ये एस्पार्टेट बाद में आता है सिट्रुलिन से ऐड होकर के आर्जिनो सक्सिनेट का फॉर्मेशन करता है। देन जब ये आर्जिनो सक्सिनेट हमारा बन जाता है, तो ये आर्जिनो सक्सिनेस की प्रेजेंस में टू मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, दैट इज आर्जिनिन एंड फ्यूमरेट। एंड जैसा कि हम सभी जानते हैं, फ्यूमरेट हमारा एक क्रेब्स साइकिल का सब्सट्रेट होता है, तो ये वापस चला जाता है हमारी क्रेब्स साइकिल के लिए। एंड आर्जिनिन फर्दर प्रोसीड कर जाता है हमारी यूरिया सिंथेसिस के लिए। देन ये आर्जिनिन हमारी आर्जिनेस के साथ में रिएक्शन करता है, वहाँ पे ये ब्रेक डाउन हो जाता है टू मॉलिक्यूल्स में, दैट इज ऑर्निथिन एंड यूरिया में। एंड यहाँ पर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का यूटिलाइजेशन होता है। सो ये जो यूरिया हमारी यहाँ से ब्रेक डाउन होकर के निकल जाती है, ये बाद में हमारी किडनी के लिए ट्रांसपोर्ट हो जाती है, जहाँ से हमारी बॉडी के बाहर ये एक्सक्रीट आउट हो जाती है। एंड जो हमारा लेफ्ट स्ट्रक्चर बचता है, वो बचता है हमारा ऑर्निथिन, और ये ऑर्निथिन बाद में फिर से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फॉरवर्ड हो जाता है, वहाँ पे फिर ये कार्बन मोइल फास्फेट के साथ में रिएक्शन करके सिट्रुलिन का फॉर्मेशन करता है। तो ये पूरी प्रोसेस ऐसे ही कॉन्टिन्यू बार बार चलती जाती है, और इसी के थ्रू हमारी अमोनिया, दैट इज़ अमीन ग्रुप, जो कि हमारे अमीनो एसिड से लिबरेट हुआ था, वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, और यहीं पे हमारे इस अमीनो ग्रुप की मेटाबॉलिज्म का एंड हो जाता है, और ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सो आगे के लेक्चर्स में हम लोग कॉन्टिन्यू मिलेंगे, जिसमें हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ अमीनो एसिड्स को पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल।